नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। Good morning everyone, my name is Taufik Ahmed and I'm here to explain a project entitled as I study on natural radiation in Pithoragarh and Champawat districts of Uttarakhand. This project is sponsored by BRNS, Department of Atomic Energy, Government of India. So today we deal with the radioactivity, it means today we are going to deal with the natural radiation. The key points of the projects are, as you can say, आप देख सकते हैं कि पहला जो key point है हमारा वो है radiation and radon। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, थोड़ा interaction करना है कि ये radiation और radon आपस में कैसे deal कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा project है वो natural radiation level पर है और हम देखेंगे कि जो हम यहाँ पर natural radiation के बारे में हम यहाँ पर research करेंगे या उसके बारे में समझाएंगे तो हम बेसिकली डील करेंगे रेडोन के लिए। सेकंड जो की पॉइंट है हमारा वो है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि व्हाट इज रेडोन, रेडोन है क्या एक्चुअली, उसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्क्राइब करेंगे। फोर्थ पॉइंट है वेयर डज रेडोन कम्स फ्रॉम, क्योंकि अगर हमने पढ़ लिया है कि रेडोन क्या है तो ये भी पता होना चाहिए कि रेडोन कहाँ से आती है। और फिफ्थ पॉइंट है रेडोन प्रोजेनी, अभी रेडोन प्रोजेनी क्या है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क ऑफ एक्सपोजर, अगर रेडोन हमारे एटमॉस्फेयर में है तो उसके एक्सपोजर में हमारे हेल्थ में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इसको हमें देखना है। और जो फाइनल पॉइंट है वो है रेडोन टेस्टिंग या रेडोन मेजरमेंट। सो पहला पॉइंट है हमारा रेडिएशन एंड रेडोन, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसमें से कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे हैं कि वो कंटिन्यूसली रेडिएशन क्या करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं। तो ऐसे फिनोमेना को जिससे कि रेडिएशन अनस्टेबल न्यूक्लियाई से या अनस्टेबल एटम से बाहर निकलती रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं यूरेनियम, रेडियम। ये तो था रेडिएशन। अब है रेडोन। देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, डिके करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें यूरेनियम को, यूरेनियम क्या करता है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या होंगे, एमिट होते रहेंगे और ये दूसरे न्यूक्लियाई में क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। तो जब यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं या रेडियो एक्टिविटी अकर होती है या रेडिएशन एमिट होती है तो ये एक दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। तो अगर यूरेनियम 92 डिके होता है तो ये किस में होगा, रेडियम में होगा, ठीक है। और फर्दर रेडियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये भी क्या होगा। सो अभी आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है प्रोजेक्ट का वो बेसिकली क्या है, आई स्टडी ऑन नेचुरल रेडिएशन लेवल इन चंपावत एंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड विच इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे एक पृष्ठभूमि होती है, उस पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी होता है। आखिर ये हमने प्रोजेक्ट क्यों लिया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो वहाँ की लोकल जो जनता है, जो वहाँ की आम जनता है, उनके जीवन पर नेचुरल रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या प्रभाव पड़ चुका है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि नेचुरल रेडिएशन से एक ऐसी गैस निकलती है जो कि खुद रेडियोएक्टिव है और वो आगे चल के क्या करती है, लंग कैंसर का कारण बनती है।
तो ये जो पृष्ठभूमि है वो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए। सो इस प्रोजेक्ट के कुछ की पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला की पॉइंट है कि हमें समझना चाहिए कि नेचुरल रेडिएशन होती क्या है, और एक जो रेडियोएक्टिव गैस है जो कि नेचुरल रेडिएशन से निकलती है उसका नाम क्या है, रेडोन। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज रेडोन, रेडोन क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर डज रेडोन कम्स फ्रॉम, रेडोन आती कहां से है, उसका मेन सोर्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडोन प्रोजेनी, रेडोन के कुछ ऐसे डॉटर न्यूक्लियाई हैं। डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि रेडोन जब रेडियोएक्टिव डिके हो, रेडोन का जब रेडियोएक्टिव डिके होता है तो वो सर्टेन एलिमेंट्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेनी कहेंगे। लेकिन अब प्रोजेनी क्यों कह रहे हैं वो भी अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर यहाँ पर रेडोन है तो अगर हम उसमें एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिस्क क्या होंगे, इट मीन्स कि रिस्क ऑफ एक्सपोजर इन रेडोन क्या होगा, वो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम। जो लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेडोन स्वास्थ्य के लिए थोड़ी हानिकारक है, थोड़ी नहीं बहुत हानिकारक है, तो इसके लिए क्या है, उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, उसका मेजरमेंट करना जरूरी है, या हम ये ऐसा कहें कि जो उस जियोग्राफिकल कंडीशन पर रेडोन मैपिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे समय के लिए इतने पॉइंट्स को समझना ही काफी होगा। तो शुरू करते हैं कि नेचुरल रेडिएशन होती क्या है। देखिए नेचुरल रेडिएशन कुछ नहीं है, बेसिकली जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अंदर से रेडिएशन क्या करते रहते हैं, कुछ सर्टेन फॉर्म सर्टेन एनर्जी को क्या करने लगते हैं, वो एमिट करने लगते हैं। तो जो रेडिएशन जो बेसिकली यहाँ पर है वो बेसिकली एनर्जी एमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो एक जो नेचुरल रेडिएशन एमिट करते हैं उन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे हम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे, और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, नेचुरल रेडिएशन कहेंगे, या डील करेंगे इसको सीधे सीधे रेडियो एक्टिविटीज से। अब जब नेचुरल रेडिएशन कहीं पर अकर होता है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम को लेते हैं, अगर यूरेनियम से रेडिएशन एमिट हो रही है तो सर्टेन डॉटर न्यूक्लियाई में क्या होता है, चेंज होने लगता है। तो एक दूसरा प्रोडक्ट उसी, मतलब अगर उसी हम चेन में देखें या उसी सीरीज में देखें, यूरेनियम की डीके सीरीज में देखें, तो एक ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलता है, एक ऐसा डॉटर न्यूक्लियाई मिलता है जिसका नाम क्या है, रेडोन है। रेडोन क्या है, एक इनर्ट गैस है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, इट मीन्स वी कैन नॉट सी इट, इट इज टेस्टलेस, इट इज ऑडरलेस एंड इट इज इनर्ट गैस। तो इसका मतलब क्या है कि अब रेडोन का जो यहाँ पर नाम आया है उसके बारे में पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। देखिए रेडोन क्या है, बेसिकली हवा से क्या है, भारी होती है, तो ये नीचे सरफेस पे रहती है। इसकी खास बात ये है कि जब हम इसको इनहेल करते हैं या कहीं पर रेडोन गैस है तो ये, क्योंकि ये खुद रेडियोएक्टिव गैस है, तो ये क्या करती है, अपने अंदर से रेडिएशन को क्या करती है, एमिट करने लगती है, ठीक है। तो अगर रेडिएशन इसमें से एमिट होगी तो सर्टेन डॉटर न्यूक्लियाई ये भी देता है, ठीक है, जो आगे चल के क्या करते हैं, कैंसर का कारण भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये रेडोन का ब्रीफ ओवरव्यू है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी पढ़ सकते हैं, बहुत लिटरेचर मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस। अब इस स्टडी का पर्पस क्या है, इस स्टडी का पर्पस ये है कि हम उस सर्टेन ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है या जो वो प्लेस है, तो उसके 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 बारे में या उसके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे हम कि वहाँ पर रेडोन लेवल कितना है, ठीक है। रेडोन के साथ साथ एक और गैस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थोरोन कहते हैं, और थोरोन भी क्या है, लंग कैंसर का कारण बनती है, लेकिन जो मेजोरिटी है वो रेडोन की ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि रेडोन का हाफ लाइफ क्या होता है, थोरोन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पर्पस इन नट से अगर हम कहें, पर्पस क्या है कि रेडोन की मैपिंग करना जिससे कि आने वाली जनरेशन क्या रहे, हेल्थ हैजार्ड्स फ्री रहे। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज रेडोन, जैसा कि मैंने भी कहा था रेडोन क्या है, रेडोन एक इनर्ट गैस है, टेस्टलेस गैस है, ऑडरलेस गैस है, और इसको हम नहीं देख सकते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 88 है और एटॉमिक मास नंबर क्या है, 222 है। रेडोन एक इनर्ट गैस है, टेस्टलेस गैस है, ऑडरलेस गैस है, और इसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये हवा से क्या होती है, ज्यादा भारी होती है, 7.5 टाइम्स ऑफ द एयर, तो ये नीचे रहती है, नीचे सरफेस में रहती है, तो इसको आसानी से लोग क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू बहुत सारी गैसेस जाती हैं, तो उसमें से एक ये भी हो सकती है।
ठीक है, तो रेडोन क्या है बेसिकली? रेडोन एक इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 86 है और एटॉमिक मास 222 है, 222, ठीक है। तो ये रेडोन के बारे में देखिए, अगर हम देखें कि अगर हम यूरेनियम की रेडियो एक्टिव सीरीज देखें, डीके सीरीज देखें, तो यूरेनियम बेसिकली सॉलिड है। अगर ये इसमें से रेडियो एक्टिव एमिजन होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये रेडियम में चेंज हो जाएगा, वो भी सॉलिड है। लेकिन अगर हम पूरी सीरीज की बात करें तो सिर्फ एक ही यूरेनियम का डॉटर न्यूक्लियाई है जो कि क्या रहता है, गैसेस फॉर्म में रहता है, वो क्या है? रेडोन है। तो इसका मतलब क्या है कि रेडोन गैसेस फॉर्म में है, बाकी सॉलिड है, तो वो तो नीचे ही रहेंगे, अर्थ क्रस्ट में रहेंगे, लेकिन गैसेस होने के कारण ये कहाँ पर आ जाएगी? ये ऊपर आ जाएगी और आसानी से हवा के साथ मिल जाएगी और उसको लोग इनहेल करेंगे, तो उससे क्या होगा? लंग कैंसर होगा। लंग कैंसर कैसे होगा? क्यों? क्योंकि जब हम रेडोन को इनहेल करेंगे तो ये हमारे फेफड़ों में चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी, तो वहां पर, क्योंकि ये खुद रेडियो एक्टिव है, तो ये भी क्या करेगा? ये भी एल्फा पार्टिकल्स को क्या करेगी? एमिट करती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे लंग्स में रेडोन गैस है, तो वहां से एल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स क्या होंगे? एमिट होने लगेंगे। तो वो क्या करेंगे? बेसिकली जो हमारे टिश्यूज हैं, जो लंग के टिश्यूज हैं, उसको हिट करेंगे। हिट करेंगे मतलब बायोलॉजिकल डैमेज करेंगे, बायोलॉजिकल डैमेज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो कैंसरस सेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रेडोन के कॉजेज हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर डज रेडोन कम्स फ्रॉम, रेडोन आती कहाँ से है? तो देखिए, एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट है, यानी कि ये रॉक, जितने भी अर्थ क्रस्ट के अंदर रॉक्स हैं या जो जितने भी कंपाउंड्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी की सारी लेयर्स हैं और इसमें रॉक सॉल्ट्स होंगे, ठीक है। तो मान लिया कि अर्थ क्रस्ट के नीचे कोई यूरेनियम का कंपाउंड है, या मान लिया कि यूरेनियम ही है, तो यूरेनियम क्या होगा? क्योंकि ये खुद रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये डिके होगा तो ये सबसे पहले किस में चेंज होगा? रेडियम में चेंज होगा। देखिए, यूरेनियम क्या होता है? सॉलिड होता है, तो ये जमीन के नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो यूरेनियम 238 जब डिके होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? रेडियम 226 में चेंज हो जाएगा। रेडियम भी क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटोमिक मास कितना है? 226 है, 226 है, विच इज सॉलिड ऑल्सो। तो ये भी अर्थ क्रस्ट के नीचे ही रहेगा, लेकिन जब ये रेडियम फर्दर डिके होगा तो ये एक नए एलिमेंट डॉटर न्यूक्लियाई देगा, जिसका नाम क्या होगा? रेडोन होगा। रेडोन का जो एटॉमिक मास, या जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे, वो बेसिकली कितना है? 222 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने शो किया है कि जो रेडोन है, वो रेडोन गैसेस स्टेट में होता है। इसका मतलब ये गैस है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो एलिमेंट है, ये तो अर्थ क्रस्ट के नीचे ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये रेडोन में चेंज होगा, तो रेडोन तो गैस है, तो रेडोन गैस है, तो ये क्या होगा? जो गैस होती है वो हमेशा नीचे से ऊपर ट्रेवल करेगी, तो ये किधर की तरफ ट्रेवल करेगा? ऊपर की तरफ। इसका मतलब कि दरारों से होते हुए, या जो सॉइल पोर्स है उनसे होते हुए, ये एटमोस्फेयर की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो रेडोन, सपोज ये यहाँ पर एक घर है, आप हमने देखा हुआ है, तो यहाँ से रेडोन यहाँ पर रेडियम जो है रेडोन में चेंज हुआ है, तो रेडोन गैसेस स्टेट होने के कारण ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये फर्श से होते हुए या फ्लोर से होते हुए दरारें क्योंकि हो जाती हैं, तो उन दरारों के थ्रू कहाँ पर चला जाएगा? कमरे के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर पूरी फैमिली होगी, और अभी जैसे कि मैंने कहा है कि रेडोन एक ऐसी गैस है जो 7.5 टाइम्स हवा से क्या है? भारी है, तो ये नीचे ही रहेगी, ठीक है। और कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा? इससे भी डिके होता रहेगा। डिफरेंट प्रोजेनीज हमें मिलती हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अगर यहाँ पर कोई पर्सन है, तो पर्सन क्या करेगा? इस गैस को, रेडोन गैस को, जो कि सॉइल से नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ अप्रोच करके आई है, तो उसको इनहेल करेगा, ठीक है। अगर वो आदमी इसको इनहेल करता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लंग का डायग्राम बनाया हुआ है, तो अगर हम इनहेल करेंगे तो जो रेडोन है, रेडोन यहाँ पर भी कंटिन्यूसली क्या होगा? आप देख सकते हैं कि जब रेडोन को अगर कोई आदमी इनहेल करेगा, तो रेडोन यहाँ पर जमा हो जाएगी, ठीक है। जमा कैसे होगी, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें, तो ये इस तरह से क्या होगा? लंग्स के अंदर ब्रीथ के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये था एक कि रेडोन आती कहाँ से है। तो हम देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जियोग्राफिकल जो कंडीशन है उसको जानना,
पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम रेडोन की मॉनिटरिंग कर सकें, जहाँ पर भी रॉक सॉल्ट्स हैं उसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर सकें और देखें, और रेडोन को रेडोन की मैपिंग करके हम एक डेटा बेस तैयार कर सकते हैं, तो पता चल सकता है कि रेडोन वहाँ पर कितना कितना है या उससे हेल्थ हजार्ड्स आने वाले टाइम में हो सकते हैं या प्रेजेंटली कितने हेल्थ हजार्ड्स हुए हैं, तो इससे एक प्रिवेंशन हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हेल्थ हैजार्ड्स की, तो अमेरिका में बेसिकली इसकी स्टडी हुई थी सबसे पहले, तो उसमें क्या था कि रेडोन के कारण लंग कैंसर पेशेंट्स सेकंड हाईएस्ट कॉज था रेडोन। ठीक है, स्मोकिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा अमेरिका में लंग कैंसर का कारण है वो रेडोन गैस थी। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जो किसको क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, और अगर हम अमेरिका के अंदर कोई पर्सन घर बनाना चाहता है तो पहले उसे उस ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी होती है, पूरी उसकी मॉनिटरिंग करानी पड़ती है, पूरी वेंटिलेशन साइंटिफिक मेथड में कराना पड़ता है, तो ताकि जिससे क्या हो कि वहाँ उस पर्टिकुलर जगह के लोग सुरक्षित रह सकें और हेल्थ हजार्ड्स फ्री रह सकें, ताकि कोई हेल्थ पे रिस्क ना रहे। ठीक है, अब है रेडोन प्रोजेनी। देखिए प्रोजेनीस क्या होती है, प्रोजेनीस कुछ हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनसे टोटल न्यूक्लियर क्या होने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रोजेनिस का नाम यहाँ पर इसलिए दिया गया है, प्रोजेनिक खुद क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि कुछ डॉटर न्यूक्लियाई ऐसे हैं कि जो हवा के कणों द्वारा या एरोसोल पार्टिकल्स के साथ मिलकर के क्या हो जाते हैं, सोलिडिफाई हो जाते हैं। मान लिया कि एक रेडोन की प्रोजेनी है और ये हवा का पार्टिकल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में इनके बीच इंटरेक्शन होने के कारण ये इसमें अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सोलिडिफाई हो जाता है, तो इसका मतलब ये हवा का पार्टिकल है मान लिया, ठीक है, या डस्ट पार्टिकल है, तो ये प्रोजेनी इसमें अटैच हो गई, तो इसे अगर यहाँ पर कोई प्रोजेनी है तो अगर मैं उसे इनहेल करूंगा तो आसानी से वो कहाँ चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी, और सॉलिड होने के कारण वो प्रोजेनी कहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, लंग्स में डिपॉजिट हो जाएगी। अब प्रोजेनी भी क्या है, खुद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी कंटिन्यूसली क्या होने लग जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स का या बीटा पार्टिकल्स का एमिजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कंटिन्यूसली अगर डीके प्रोसेस होगी तो जो रेडिएशन या जो एनर्जी या अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव प्रोजेनी से निकलेंगी, तो वो हमारे लंग्स की सेल्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करना लग जाएंगे, बायोलॉजिकल डैमेज करना स्टार्ट कर जाएंगे। आपको पता है कि अगर कहीं पर इंटरनली बायोलॉजिकल डैमेज होता है तो उसे कैंसर होना स्वाभाविक है। तो ये प्रोजेनिस है, तो प्रोजेनिस के बारे में हमने अभी देखा कि प्रोजेनिस एक ऐसी डॉटर न्यूक्लियाई है कि जो एरोसोल पार्टिकल्स के साथ मिलकर के सोलिडिफाई हो जाती है, ठीक है, या मॉइस्चर के साथ मिलकर के सोलिडिफाई हो जाती है, और यही प्रोजेनिक फिर अगर हम देखें तो अगर हवा में यहाँ पर रेडोन है, अगर यहाँ पर एक वाटर है या कोई लेक है या कोई रिवर है, तो ये प्रोजेनी मॉइस्चर के साथ मिलकर के क्या हो जाती है, सोलिडिफाई हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोजेनी पानी के साथ मिलकर के दूर तक ट्रेवल कर सकती है। अब पानी को भी हम पीते हैं, तो पानी को पियेंगे तो अंदर जब पानी जाएगा तो उसके अंदर प्रोजेनीज है, ठीक है, तो प्रोजेनीज भी क्या करेंगी, कंटिन्यूसली रेडियो एक्टिव डिगे करेंगी, तो उससे क्या होगा, बायोलॉजिकल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी के थ्रू हो या हवा के थ्रू हो, तो ये रेडोन प्रोजेनीज क्या है, बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ एक्सपोजर। देखिए अभी हमने इस पूरे लेक्चर में हम देख रहे हैं कि इसका रिस्क क्या है, कितना है, तो रिस्क अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस रेडिएशन में एक्सपोज होते हैं तो हेल्थ हैजार्ड्स जो रिस्क हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है और प्रॉपर एक अवेयरनेस लोगों को देना भी बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के प्रोजेक्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें पता चल सके कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एक फील्ड एरिया में कितनी रेडोन जमा है। ठीक है, रेडोन के साथ साथ हम थोरोन के बारे में भी स्टडी करते हैं, क्योंकि वो उसके कारण भी क्या होता है कि हेल्थ हजार्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम थोरोन के बारे में भी देखेंगे कि व्हाट इज थोरोन, थोरोन क्या है, और रेडोन और थोरोन के बीच में क्या रिलेशन है। जो लास्ट पॉइंट है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हमें पता चल रहा है कि या हमने डेटाबेस हम बनाना चाह रहे हैं, तो हमें रेडोन की टेस्टिंग कर लेना और उसका मेजरमेंट कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो रेडोन टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास हैं। ठीक है, रेडोन मॉनिटरिंग करने के लिए या रेडोन मेजरमेंट करने के लिए या सिंपल अगर हम कहें रेडोन टेस्टिंग करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स हमारे पास हैं, तो उसमें से कुछ टेक्निक्स हम इस्तेमाल भी करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे भी कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, पहला होता है एक्टिव मेजरमेंट और दूसरा होता है पैसिव मेजरमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है,
एक्टिव मेजरमेंट क्या होता है, रियल टाइम में हम डेटा कलेक्ट करते हैं रेडॉन का, रेडॉन मॉनिटरिंग जो करते हैं हम रियल टाइम में करते हैं, और प्रेजेंट टाइम में कितना रेडॉन एक्सेलेशन हो रहा है उसको हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। पैसिव मेजरमेंट में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लगा के छोड़ देते हैं और एक सीजन तक लगा के छोड़ते हैं 90 डेज तक, ताकि जिससे क्या हो कि कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली रेडॉन की मॉनिटरिंग हो सके, मतलब एक सीजन के बाद। तो दोनों में ये डिफरेंस है, एक में क्या है रियल टाइम डेटा के लिए और एक क्या है आफ्टर सर्टेन टाइम, ये सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये रेडॉन टेस्टिंग है। अभी मेरे पास कुछ पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर हम रेडॉन के बारे में समझना चाहते हैं या नेचुरल रेडिएशन लेवल के बारे में समझना चाहते हैं। और अगर नेचुरल रेडिएशन को अगर हम हेल्थ के साथ जोड़ें तो रेडॉन के बारे में जानना क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए अभी हमने एक एलिमेंट के बारे में जाना था, थोरॉन, ठीक है, क्योंकि रेडॉन और थोरॉन ये साथ साथ नेचर में अकर होते हैं तो इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, और क्योंकि दोनों ही क्या है कैंसरस, कैंसर को बढ़ावा देते हैं, तो उनके बारे में जानना थोड़ा अच्छा मतलब जरूरी हो जाता है। तो बेसिकली रेडॉन जो है, रेडॉन के तीन आइसोटॉप्स हैं, तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और तीनों जो आइसोटॉप हैं डिफरेंट रेडियो एक्टिव डीके सीरीज से ऑप्टेन होते हैं। अगर हम बात करें रेडॉन जो बेसिकली जो रेडॉन है एक्चुअल में, ठीक है, जिसके कारण कैंसर बहुत ज्यादा फैलता है, तो वो ये रेडॉन है, रेडॉन 222, जो कि किससे मिलता है, यूरेनियम डीके सीरीज से मिलता है। और इसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या है 3.82 डेज है, इसका मतलब ये एटमोसफेयर में इतने दिन तक मौजूद रहता है। तो लाजमी है कि ये इसको इनहेल आसानी से किया जा सकता है वहां की जो लोकल पॉपुलेशन होगी उसके थ्रू। जो सेकेंड है रेडॉन 220, ठीक है, रेडॉन 220 जो है वो बेसिकली थोरियम डीके सीरीज से मिलता है, ठीक है, और इसका जो लाइफ टाइम है वो बेसिकली क्या है 51.5 सेकेंड से, यानी कि लेस देन 1 मिनट है। इसको हम इस वाले जो आइसोटोप है, रेडॉन के बेसिकली तीन आइसोटोप है, मैं नीचे से ऊपर की तरफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रेडॉन का जो ये बीच वाला जो आइसोटोप है 220 यानी कि 220, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज थोरॉन, दिस इज कॉल्ड थोरॉन। थोरॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोरियम डीके सीरीज से मिलता है, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या थोरॉन। तो जहां पर भी रेडॉन 220 का जिक्र होगा तो हमें समझना चाहिए कि वो कौन सा एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, थोरॉन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो आइसोटोप है वो है 219 रेडॉन। इसके लिए ये जो एलिमेंट है बेसिकली ये एक्टिनियम डीके सीरीज से मिलता है, ठीक है, और जिसका जो लाइफ टाइम है बेसिकली क्या है 3.92 सेकंड्स है, यानी कि लेस देन 4 सेकंड्स, सॉरी। जो थर्ड आइसोटोप है रेडॉन का वो बेसिकली क्या है रेडॉन 219, जो कि किससे ऑप्टेन होता है, वो एक्टिनियम डीके सीरीज से ऑप्टेन होता है, और इसको हम एक्टिनॉन भी कहते हैं। अगर इन जनरल जैसे हमने यहाँ पर थोरियम डीके सीरीज जो थी उसके थ्रू जो आइसोटोप मिल रहा था उसको हमने थोरॉन बोला, तो इसको क्या कहेंगे हम एक्टिनॉन कहेंगे, ठीक है। और इसका जो हाफ लाइफ होता है वो लेस देन 4 सेकंड होता है, आप देख सकते हैं 3.92, इसका 3.92 सेकंड्स हाफ लाइफ टाइम है। तो इसका मतलब क्या है, ये एटमॉस्फेयर में बहुत कम समय के लिए रहेगा, ये उससे ज्यादा रहेगा, और ये काफी टाइम तक रहेगा, लगभग 3-4 डेज तक रहेगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो वाकई में रेडॉन 222 हो जाता है, जो कि आगे चल के क्या करता है कैंसरस चीजों को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, अभी हमने यहाँ पर रेडॉन प्रोजेनी के बारे में जाना था, तो देख लेते हैं कि रेडॉन की जो प्रोजेनी है वो कौन कौन सी है। प्रोजेनी का मैंने आपको बताया भी था, प्रोजेनी क्या होती है, एक ऐसी डॉटर न्यूक्लियाई होती है कि जो एरोसोल पार्टिकल हवा के पार्टिकल के साथ मिलकर के या मॉइस्चर के साथ मिलकर के सोलिडिफाई हो जाती है। अगर कहीं पर सोलिडिफाई होती है तो ऑब्वियसली हवा के थ्रू हम उसे इनहेल करेंगे, कोई सॉलिड चीज होगी, हवा तो सारी बाहर एक्सहेल कर देंगे हम, लेकिन जो सॉलिड चीज होगी वो कहाँ पर रुक जाएगी, वो लंग्स में रुक जाएगी, और कंटिन्यूसली वो डिके होना स्टार्ट होता रहेगा। तो रेडॉन की जो प्रोजेनी है, काफी सारी प्रोजेनीज हैं, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रोजेनीज हैं वो ये है बिस्मिथ, पोलोनियम और लेड। ये तीनों क्या है अनस्टेबल न्यूक्लाई होते हैं, और धीरे 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 स्टेबल होने के लिए एल्फा पार्टिकल्स को क्या करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं, और बाद में जब ये स्टेबल हो जाते हैं तो ये कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो इनसे रेडिएशन एमिट हुई थी उसके कारण जो हमारी सेल्स होती हैं, बायोलॉजिकल सेल्स होती हैं, वो सारी की सारी क्या होने लग जाती हैं,
डैमेज में ले जाती है और जो कि कैंसर को क्या बढ़ावा देती है, इससे क्या होता है कि कैंसर इंक्रीज होता है। तो इन जनरल अगर हम देखें रेडोन की जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज्यादा है किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के लिए। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो नेचुरल रेडिएशन है उसको हम डिटेक्ट करेंगे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और हम ये देखेंगे कि रेडोन का कंसंट्रेशन उस एरिया में कितना है, ठीक है, क्योंकि रेडोन इटसेल्फ रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव गैस है, तो उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उसका ब्रीफ ओवरव्यू था। होप है कि आपको ये अच्छा लगा हो। अभी हमने देखा कि रेडोन प्रोजेनिस कौन कौन सी हैं, बिस्मिथ, पोलोनियम, लेड हैं, ये हवा के या एरोसोल पार्टिकल्स के साथ मिलकर के अटैच हो जाएंगी, सोलिडिफाई हो जाएंगी, और इसको अगर कोई पर्सन इनहेल करता है तो ये लंग्स में डिपॉजिट हो जाएंगी। ये जो प्रोजेनिस हैं ये खुद रेडियो एक्टिव हैं, तो इनसे भी अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, एमिट होंगे, जिसके कारण क्या होगा, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना होगा। हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, किसी भी पेनिट्रेशन जो किसी भी वॉल को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है, 10^21 टाइम्स वो क्या करता है, पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होगा, अगर इतने टाइम्स तक अगर हमारी बायोलॉजिकल सेल्स पे कोई पेनिट्रेट करेगा तो उससे बायोलॉजिकल सेल्स क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा पार्टिकल बायोलॉजिकल सेल्स को डैमेज कर रहे हैं तो उससे कैंसर होने लगेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोजेनी डिपोजिशन होगा वो बेसिकली कॉज करेगा क्या, लंग कैंसर को। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था कि जिससे कि हम जानें कि नेचुरल रेडिएशन होते क्या है या रेडोन होती क्या है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी एक लास्ट पॉइंट था, हमने देखा कि रेडोन टेस्टिंग के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 3 इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं ये बेसिकली पैसिव मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि कुछ सर्टेन टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इनको किसी एक इंडोर में छोड़ देंगे, ठीक है, लगभग 90 डेज के लिए। उसके बाद 90 डेज के बाद इनको कलेक्ट किया जाता है और एक पर्टिकुलर काउंटर्स के थ्रू इन पे कुछ फिल्म लगी होती है, उसको हम उनके ट्रैक्स को ड्रॉ करते हैं, उनके ट्रैक्स को हम देखते हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने रेडिएशन लेवल है या कंसंट्रेशन लेवल कितना है। तो जो मेरा हाथ जो लेफ्ट हैंड में है मेरे, वो बेसिकली क्या है, पिन होल डोजीमीटर है। ये डोजीमीटर जो है दो सेक्शन में डिवाइड है, एक सेक्शन तो इसका इस्तेमाल होता है थोरोन मेजरमेंट के लिए, और दूसरा जो सेक्शन है वो बेसिकली इस्तेमाल होता है रेडोन मेजरमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि रेडोन और थोरोन दोनों एक साथ ही ऑप्टेन होती हैं, बस फर्क ये है कि रेडोन का जो लाइफ टाइम है वो लगभग 4 दिन है और जो थोरोन का लाइफ टाइम है वो लगभग लेस देन 1 मिनट है, तो इसलिए हम ये डोजीमीटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो नीचे वाला सेक्शन होगा इसको हम इस तरह से हम टांगेंगे, तो जो नीचे वाला जो बीच वाला सेक्शन होगा ये बेसिकली ये इस्तेमाल होगा थोरोन मेजरमेंट के लिए, क्योंकि थोरोन का लाइफ टाइम कम है तो यहाँ पर थोरोन डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो है बेसिकली ऊपर वाला जो सेक्शन है बेसिकली वो इस्तेमाल करेंगे हम रेडोन मेजरमेंट के लिए, वो इसलिए करेंगे हम क्योंकि रेडोन और थोरोन जब यहाँ ये जो पिन होल आप देख रहे हैं यहाँ से अंदर जाएंगी, ठीक है, अंदर जाने के बाद थोरोन तो यहीं पर रुक जाएगी, तो ऊपर कौन पहुँचेगी, क्योंकि उसका लगभग 4 दिन तक का लाइफ टाइम है, तो यहाँ पर हमें रेडोन मिल जाएगी। तो रेडोन को हम ऑप्टेन कर लेते हैं कि रेडोन की कंसंट्रेशन कितनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ हम फिल्म लगाते हैं जो कि पोलराइड्स होती हैं, उनके ऊपर बेसिकली ट्रैक्स मिलते हैं हमें। तो ये था पोलराइड। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ये भी पैसिव मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक है हमारा DTPS एंड DRPS, आप देख सकते हैं D4 डायरेक्ट, T4 थोरोन, P4 प्रोजेनी, S4 सेंसर। तो डायरेक्ट थोरोन प्रोजेनी सेंसर, ऊपर वाला जो सेक्शन होगा थोरोन मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, नीचे वाला जो सेक्शन होगा वो है हमारा DRPS रेडोन प्रोजेनी सेंसर के लिए, डायरेक्ट रेडोन प्रोजेनी सेंसर के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये हम ऐसे तो नहीं लगाएंगे, इसके अंदर भी हम कुछ कोटेड फिल्म लगाते हैं, जिसको अभी मैंने बताया अभी, वो पोलरॉइड्स कहलाती हैं, वो जो फिल्म कहलाती हैं। इन जनरल एग्जांपल के तौर पर LR115 हम इस्तेमाल करते हैं और एक माइलर भी इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर लगाने के लिए, ठीक है। तो उस इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी फर्दर हम एक लेक्चर हम देखेंगे, ठीक है, तो उनको हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल अभी छोटा सा ओवरव्यू है कि कौन कौन से पैसिव इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। ये वायर मेश मेथड है,
अटैच्ड और अनअटैच्ड प्रोजेनी के लिए, क्योंकि प्रोजेनी भी फर्दर दो क्लास में डिवाइड हो जाती हैं, अटैच्ड प्रोजेनी और अनअटैच्ड प्रोजेनी, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए या उसको उसके मेजरमेंट के लिए हम वायर मेश मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये वायर मेश मेथड है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हम दो फिल्म लगाएंगे और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए उसको हम वहीं पर छोड़ देंगे। तो ये तीन जो हमारे पास हैं, ये तीन बेसिकली पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको हम एक सीजन के लिए किसी हाउस होल्ड में छोड़ देते हैं और उसके बाद एक जब हम 90 days या जो भी एक सीजन खत्म हो जाता है तो उसके बाद इनको हम कलेक्ट करते हैं दोबारा और इनका हम एक डेटाबेस बना देते हैं आफ्टर द प्रॉपर एचिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो फिल्म मिलेंगी इन तीनों से, उसकी हम एचिंग प्रोसेस के थ्रू ट्रैक्स ड्रॉ कर ट्रैक्स में बन जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स के, उन अल्फा पार्टिकल्स के ट्रैक्स को हम सिंटिलेशन काउंटर्स के थ्रू क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन उसमें कितनी है। तो यही है कि ये तीनों के तीनों क्या है, पैसिव इंस्ट्रूमेंट है। और एक्टिव मेजरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो उसका एग्जाम्पल है वो आरएन ड्रो है, रेडॉन ड्रो, मतलब रेडॉन प्लस थोरॉन के लिए हम एक्टिव मेजरमेंट लेने के लिए हम आर एन डी ओ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था हमारे प्रोजेक्ट का, आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा।